हिमाचल सरकार संभावित दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए अभी तक रोस्टर जारी नहीं कर पाई है। इसके पीछे सरकार की मंशा कांग्रेस समर्पित मजबूत प्रत्याशियों को दूर करने के लिए आरक्षण का सहारा लेना चाहती है, ताकि आरक्षण जारी करते ही अपील दली के लिए समेना दिया जाए। उन्होंने शिमला जिला के रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि भाजपा सरकार कोरोना से लड़ाई में विकास नहीं कर रही है। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची व प्रदेश कांग्रेस सचिव महेंद्र सतन ने हिमाचल भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि विकास के मामले में भी भाजपा सरकार विकास नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार के समय जिन कार्यों को आरंभ किया गया था वो भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। नए कार्य करना तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए कांग्रेस ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। ऐसे उम्मीदवार को ही आगे लाया जाएगा जो जनता के प्रति उत्तरदायी होने के साथ ईमानदार और पार्टी का निष्ठावान सिपाही हो। उन्होंने दावा किया कि आने वाले पंचायत चुनावों में कांग्रेस विचारधारा के लोग काफी संख्या में चुनकर आएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान किन्नौर युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप नेगी, कांग्रेस उपाध्यक्ष अंकुर शर्मा, उज्जवल मेहता आदि उपस्थित थे। कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, जयराम सरकार, ये जानबूझकर इसको डिले कर रही है, क्योंकि इनका मानना है कि हर पंचायतों में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस कार्यकाल में बहुत सारे पंचायतों के काम हुए हैं और विकास हुए हैं। ऐसा ना हो कि ज़्यादातर वहाँ पर पंचायत में प्रधान, तो इनकी कोशिश ही की जा रही है। जहाँ जहाँ हमारे दिग्गज कांग्रेसी प्रधान है, चाहे वो पंचायत समिति के चेयरमैन है, जिला परिषद के चेयरमैन है, उसे रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। और हम बार बार आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए देरी भी कर रहे हैं रोस्टर ले आने के लिए, ताकि रिट करने का बहुत कम समय मिल सके। आप पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस किस तरह से रणनीति बना रहे, ताकि हम इसको यूनानी मसले के रूप में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे बड़ी बड़ी पंचायतें वहाँ में कोशिश रहेगी हमारी कि जहाँ दो तीन कांग्रेसी कोई भी नेता अगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते तो मिल बैठ कर एक ही उम्मीदवार को डालने जा रहे हैं, एक ही उम्मीदवार होगा, ताकि हमारा वहाँ अच्छी तरह से जीत सके कांग्रेस का प्रत्याशी, हम कोशिश करें।